वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जया। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। सो टुडे आई एम डूइंग द व्लॉगिंग। सो आज थोड़ा स्पेशल डे है, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड की आज है मेहंदी, तो मैं जा रही हूँ मेहंदी सेरेमनी के लिए तैयार होने। मैंने ऑलरेडी अपने आउटफिट निकाल के रख दिए, तो मैंने जल्दी से अपना ऑफिस का काम कंप्लीट किया। अभी गरम गरम मैंने चाय पी है अपना मूड फ्रेश करने के लिए। अब मुझे थोड़ी एनर्जी फील हो रही है। मैंने अभी बस अपना फेस वॉश किया है और अब मैं जाऊंगी अपनी आउटफिट ट्राई करने, देन मैं करूंगी मेकअप। सो मैं आपको मिलती हूँ अपना ऑल ओवर लुक कंप्लीट करने के बाद। सो जस्ट अभी मैं पहुंची हूँ, फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको दिखाती भी चाहती हूँ और अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी। हम जब पहुंचे थे तब तक कुमकुम रेडी हो चुकी थी और अब उसका फोटोशूट चल रहा था। उसके बाद फिर हमने भी बाजी मार ली, हमने भी फोटोशूट करवाया और फिर उसके फैमिली मेम्बर्स की बारी थी। फोटोज़ वगैरह क्लिक होने के बाद डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट की। छोटे से लेके बड़े इंसान तक सब ने, घर के हर एक फैमिली मेम्बर ने डांस किया था और हम यहाँ बैठ के बस इंजॉय मार रहे थे सबकी परफॉर्मेंस देखते हुए। मस्ती भी ऑन थी हमारी। उसके बाद फिर सारी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी थोड़ा डांस प्रिपेयर किया था, उनने डांस किया। बिकॉज मैं नहीं कर पाई थी, ऑफिस वर्क के कारण मैं जा ही नहीं पाई थी डांस प्रिपेयर करने के लिए। लोग अपनी डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे और यहाँ हम कुछ अपना ही लगे हुए थे, हम भी डांस कर रहे थे उनके साथ साथ। सेम डे पे चाची और भैया का बर्थडे था तो केक कटिंग हुई। उसके बाद फिर हम सब ने केक खाया। जिया जी से यहाँ बात कर रही थी कुमकुम। उसके बाद फिर हम लोग उतर गए मैदान में डांस करने के लिए डीजे के साथ। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा डांस कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही माता पूजन स्टार्ट हो गई थी, तो मैं तैयार होकर चली गई थी माता पूजन अटेंड करने। सो अभी जस्ट माता पूजन फिनिश हुई है, मैं आपको बताई थी भाई मैं जल्दी जल्दी में निकल गई और बाल कितने अनमैनेजेबल हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना आ चुका है मेरे बालों में। तो अब हमने थोड़ा डांस कर लिया है और अब हम जाना है थोड़ा नाश्ता करने, थोड़ा फोटोशूट वगैरह कराते हैं। यहाँ हो रहा था कुमकुम का फोटो शूट माता पूजन के बाद। हमने फिर आके नाश्ता किया और फिर हम चले गए एक रूम में जहाँ सब लोग बैठ के बस गप्पे मार रहे थे और यहाँ एज यूजुअल कुमकुम जीजा जी से बात करते हुए यहाँ हम डिसाइड कर रहे थे कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। सो हल्दी हो गई है, हमने हल्दी सेलिब्रेट नहीं की बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब कचड़ खान हो रही है, हमने वाइट पहना है इसलिए हमने हल्दी सेलिब्रेट नहीं किया। सो जस्ट अभी आई हूँ मैं फंक्शन से रिटर्न। हमने खाना नहीं खाया बिकॉज वहाँ टाइम लग रहा था खाना बनने में, तो हमने सोचा कि घर चलते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि शाम को फिर रिसेप्शन में जाना है, रिसेप्शन प्लस लगुन है तो फिर वहाँ पे भी जाना है, तो इसलिए हम सब लोग घर आ गए। तो अब मैं अपना आउटफिट चेंज करूंगी, थोड़ी पिक वगैरह खींच लेती हूँ क्योंकि एक प्रॉपर पिक मेरी आई नहीं है, तो पिक खींच लेती हूँ, उसके बाद मैं आउटफिट चेंज करूंगी, देन मैं जब शाम के लिए रेडी होगी फिर मैं आपको तब मिलती हूँ। रिसेप्शन और लग्न में मैंने डिसाइड किया था थोड़ा अलग से ड्रेसअप होने का, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया है। शाम को भी कुमकुम रेडी होके जिया जी को दिखा रही थी कि वो कैसी लग रही है। उसके बाद फिर यहाँ हम फोटोज और वीडियोस क्लिक कर रहे थे। मेरे टाइम पे ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, तो यहाँ हम बस अपने पल इंजॉय कर रहे थे शादी के और डिस्कस कर रहे थे कि हमें हरदा जाना है तो क्या क्या डांस परफॉर्मेंस का हमें पूरा लिस्ट आउट करके रखना है। ये था वेन्यू। उसके बाद मैंने खाना खाया, डीजे पे बहुत प्यारे सॉन्ग चल रहे थे, तो यहाँ हमारी ब्राइड टू बी डांस कर रही थी। अवीक पहन के आया था कुर्ता और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया।